कैसे हो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नयन सिंह, बरेली से फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको CPM मशीन, जो घुटना जाम होता है उसको कैसे बैंड करते हैं, कौन सी मशीन होती है, पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल न्यू मशीन को अनबॉक्स करने वाला हूँ मैं, तो ये वीडियो काफ़ी आपको जो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसी होती है CPM मशीन और उसका पूरा नाम क्या होता है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसकी है केवल मशीन की, इसके अंदर मशीन है न्यू, तो मैं इसके अंदर निकालता हूँ। इसके जिप है, ये इसके जिप खोल लेते हैं, पूरा निकाल के चला के दिखाऊंगा और घुटने को कैसे बैंड करती है पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो बिल्कुल इसको स्किप मत करना। तो इसको निकालते हैं, तो कुछ इस टाइप की ये निकलती है। चलो तो इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ये न्यू कॉर्ड है बकायदा, और इसको जो है यहाँ से इसको निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, ये इसका कवर, तो कवर को एक साइड में रख लेते हैं। देख सकते हो बिल्कुल ही पास से हो, ये CPM मशीन, कंटीन्यूअस पैसिव मूवमेंट मशीन, इसका पूरा नाम होता है कंटीन्यूअस पैसिव मूवमेंट। ये घुटने को कैसे मोड़ती है और क्या काम करती है पूरा मैं आज के इस वीडियो में बता देता हूँ। तो ये क्या है आगे, ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको कॉर्ड को लगा लेते हैं, और इसके अंदर ये जो है पहले इसको निकाल के लगा लेते हैं, मेरे पे है दूसरा वाला, इसको यहाँ लगाते हैं। ये जो है इसका मेन सप्लाई वाला जो प्लग है, इसको जो बोर्ड में लगाते हैं, यहाँ से बंद करते हैं। इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ प्लग लगाया, इसके बाद ये स्विच को ऑन किया, अब ये वाले स्विच को ऑन करेंगे, सप्लाई चालू हो गई है। तो उसके बाद यहाँ से जो है इसका टाइमर है, उसके बाद चालू हो जाएगा चलना ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका नाम ही होता है कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट। जैसे ही मैं इसका टाइमर सेट करूँगा तो वैसे ही ये चालू हो जाएगी। देखो, मैंने 10 का टाइमर लगाया यहाँ पर, और अब इसको जो फ्लेक्शन की ओर बढ़ाता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने फ्लेक्शन की ओर ले लिया इसको, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये अब चालू हो गई है। जितना ये इसका एंगल है, पारा है, वो मीटर है इसका, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर जो इसको लगा के चलाया जाता है, यानी यहाँ पैर को ऐसा करके बांध देते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ये इसकी इमरजेंसी बटन है, अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको पेशेंट को दे देते हैं, वो दबा लेता है। इसको जितना इंक्रीज चाहे उतना कर सकते हैं। ये इसका एंगल है, देखो जूम करके यहाँ से देखो, इसका एंगल है, ये एंगल आ रहा है यहाँ से, देख सकते हो कि कितने एंगल पे बैंड हो रहा है। तो पूरा बैंड होगी मशीन, कंटिन्यूस चलेगी। तो यहाँ से ही इसका टाइम, वो टाइम है कितने देर तक यहाँ पर आप होल्ड करना चाहते हैं। अगर ऑटो पे चल रही है तो आप कितनी देर तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक इसका टाइमर है। तो यहाँ से आप अगर 4 सेकंड तक होल्ड करना चाहते तो 4 कर दो। तो बाकायदा मैं अभी आपको पूरा इसको जो है यहाँ तक खोल के दिखाता हूँ। मशीन काफ़ी ज़्यादा बैंड हो जाती है, और लोग कहते हैं कि इससे CPM से पैर मुड़ता नहीं मुड़ता है और क्या काम करती है। तो ये मशीन जो है घुटने को मोड़ने का काम करती है, नी बेंडिंग का काम करती है, तो काफ़ी बेहतर मशीन है ये। फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। तो बहुत ही आसान और कम पैसों में जो आप इसको ख़रीद सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो बकायदा मैं इसके बारे में आपको पूरा बता ही दे रहा हूँ। ये टाइमर जितना लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो पैर को जितना बेंड करना है अपने हिसाब से, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हिसाब से करते हैं, रेंज ऑफ मोशन कितना है पैर में कितना नहीं, और कहाँ तक भी आपके स्टिफनेस है, तो ये पूरा खुल जाता है। तो यहाँ से आप चाहें तो ये बटन दिया गया है लेग को सीधा करने वाला, लेग को बेंड करने वाला, ये बटन दबा देंगे तो वहीं पर मशीन होल्ड हो जाएगी। देखो, मशीन होल्ड हो गई, अब नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हैं पैर फ्लेक्शन कर लिया है उसके बाद, तो अब आप चलाना चाहें इतनी देर, जितनी देर चाहो उतनी देर रुकी रहेगी, उसके बाद इसको जो है फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अभी बैंड की तरफ जा रही थी तो बैंड हो गई। कभी कोई ऐसा लगता है कि मशीन ज़्यादा बैंड हो रही है तो इसको रोक देते हैं, तो इसलिए रुक जाती है यहाँ से, तो ये बटन इसीलिए दिया गया होता है। और यहाँ से भी इसके जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्लू हल्के हल्के से दिए गए हैं होल, इनको जो लॉक होता है यहाँ से निकाल के आप इधर टाइट कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा बैंड हो जाएगा पैर। जी हाँ, तो अभी ये नॉर्मल पे है,
इसके बाद इधर को जो है लॉक गियर है इसके इनमें जो है इसमें जो है फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट की। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं इसके द्वारा, कैसे इसका यूज करते हैं, आई बटन वाली वीडियो पे जरूर देखना। मैं मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।